भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया। इस मुकाबले में भारत को 49 रनों से करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि भारत ने इस सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया। ये पहली बार है जब भारत ने अपने घर में साउथ अफ्रीका को T20 सीरीज में मात दी है। इस मुकाबले में एक ऐसा भी नजारा देखने को मिला जिसे देख दर्शक हैरान रह गए, क्योंकि साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज ने अपने ही पैरों से स्टंप को उड़ा दिए, लेकिन फिर भी वो आउट नहीं हुए। मजेदार बात ये रही कि एक ही गेंद पर दो बल्लेबाज का विकेट गिरा, लेकिन वो आउट नहीं हुए। दरअसल साउथ अफ्रीका की पारी के 17वां ओवर मोहम्मद सिराज डाल रहे थे। सिराज ने 17वां ओवर की 5वीं गेंद दी स्टब्स को नो बॉल डालकर, जो ज्यादा हाइट की वजह से हुई थी। स्टब्स ने उस गेंद को बाउंड्री की ओर खेला जिसे उमेश यादव ने कैच पकड़ा, लेकिन नो बॉल की वजह से स्टब्स आउट नहीं हुए और साउथ अफ्रीका को फ्री हिट मिल गई। इस दौरान उन्होंने एक रन ले लिया और स्ट्राइक रिले रॉसो के पास थी। मोहम्मद सिराज जैसे ही गेंद डालने के लिए आ रहे थे, तभी रिले रॉसो ने अपने पैरों से खुद की स्टंप गिरा दिया। रिले रॉसो की फ्री हिट की गेंद को बड़े शॉट मारने के इरादे से क्रीज में काफ़ी पीछे आ गए थे, जिसकी वजह से उनका पैर स्टंप पर जाप लगा और उखड़ गया। लेकिन ये फ्री हिट बॉल थी तो वो भी नॉट आउट रहे, यानी एक बॉल में ही साउथ अफ्रीका के दो बल्लेबाज विकेट गिरा, लेकिन फिर भी वो नॉट आउट रहे। इस दिलचस्प नज़ारे को देख फैंस हैरान थे। इस मुकाबले में साउथ अफ्रीकी बल्लेबाजों ने रनों की बरसात की और 227 रन चढ़ दिए। रिले रॉसो ने 100 रनों की नाबाद पारी खेली।